मोदी जी ने पिछले 8-9 वर्षों में जितनी वैज्ञानिक शोध है, टेक्नोलॉजी है, उसको न केवल बढ़ावा दिया है लेकिन बल्कि उसकी एप्लीकेशन को घर घर पहुंचा करके आम नागरिक के लिए, आम नागरिक की जीवन में ईज़ ऑफ लिविंग, उसके जीवन में सरलीकरण लाने के लिए एक व्यवस्था पैदा करने की या स्थापित करने की कोशिश की है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस विश्वविद्यालय ने भी आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी की है बायो इकोनॉमिक्स को लेकर और बायो साइंसेज को लेकर के, जो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा प्रमुख भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि अभी तक पिछले सात दशकों तक लगभग जितना भी हमारी अर्थव्यवस्था की निर्भरता रही, अधिकतर वो पश्चिम के राज्यों, दक्षिण भारत के राज्यों में, लेकिन जो हमारे इतने सारे सरमाए हैं जो हिमालय में बसे हुए हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा अरोमा का एसेट, हमारा मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, जिसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी गई, पहली बार मोदी सरकार के द्वारा। और आपको जानकर खुशी और हम सब के लिए गर्व की बात है कि पर्पल रेवोल्यूशन जिसकी चर्चा, पर्पल क्रांति जिसकी चर्चा देश भर में की जा रही है, उसका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ। लेवेंडर एंटरप्रेन्योरशिप का सहारा लेकर के अनेकों नौजवानों ने लाखों रुपया कमाना शुरू किया है और एक स्टार्टअप्स का, एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया चलन, एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है। और उसका सबसे अधिक रिसोर्स यदि कहीं है तो वो इन हिमालयन क्षेत्रों में है।